सो ही गाइस, आज हम दोबारा से यूनिवर्स ऑफ द मार्शल गॉड के एपिसोड 12 को और ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके अंदर भाई इस एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा फाइट और सस्पेंस वाले सीन है। सो आई होप यार आप सभी इस वीडियो को पूरा देखोगे। फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे वीडोंग और लिंगडोंग के जो बीच में फाइट हुई थी, अब उस फाइट को रोकना पड़ गया था क्योंकि जो लिंगडोंग था वो उस कगार पे पहुंच चुका था कि उसे हार मारना पड़ेगा, क्योंकि जो वीटोंग था वो चीटिंग कर रहा था क्योंकि जो लिंगडोंग की बहन थी उसके ऊपर गर्दन के ऊपर चाकू रखे और वो बताना चाह रहा था कि जो लिंगडोंग है वो हार मान ले, पर यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता था। जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में ही देखा होगा, यहाँ पे लिंगडोंग उसके वीटोंग के वार से ही एक बारे में पीछे गिर जाता है, मगर यहाँ पे बात तो कुछ और ही थी क्योंकि यहाँ पे जब वीटोंग जब लग रहा था कि हाँ लिंगडोंग का वार कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तो उसने अपने मेंबर से बोला कि यहाँ पे जो क्विंगटेंग है उसके ऊपर चाकू रख दो, जिसके चलते जो वीटोंग लिंगडोंग जब उसे देखेगा तो वो पीछे खुद ब खुद हट जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है जिसके चलते लिंगडोंग को उसे पीछे हटना पड़ता है। अब यहाँ पे वीटोंग के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, मगर यहाँ पे ये कोई जीत नहीं कहलाएगी ना कि कोई बराबरी की पावर टक्कर हो रही हो। यहाँ पे वीटोंग अपनी पावर के साथ, पूरी पावर के साथ यहाँ पे लिंगडोंग के ऊपर हमला करता है। उसकी जितनी भी पावर होती है वो सारी एक ही बार में लगाने की कोशिश करता है और ऊपर की तरफ आसमान में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा या रेड कलर का एक पावर जा रही होती है जो कि सीधा आने वाले टाइम पे लिंगडोंग के पास जाने वाली थी, क्योंकि ये पावर लिंगडोंग के लिए भी काफी ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे वीटोंग कुछ मूव्स को लिंगडोंग के ऊपर चलता है, मगर यहाँ पे स्टार्टिंग में लिंगडोंग तो काफी अच्छी खासी डॉच करता है, मगर जो लास्ट वाला मूव्स होता है वो सीधा लिंगडोंग के जाके लगता है और अब तो बाकी के जितने भी मूव्स थे सीधा लिंगडोंग के ही जाके लग रहे थे। और यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज्यादा जा चुकी थी लिंगडोंग की, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था हारने के अलावा। अब यहाँ पे लिंगडोंग के दिमाग में एक बात आती है, जहाँ पे उसने मास्टर सू के साथ फाइट ली थी तो उसमें मेटल पावर का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया गया था जिससे आसानी से मास्टर सू को हरा दिया था उसने, तो इसी समय वो दोबारा से यही चीज सोचता है क्यों ना मैं उन निडल्स का इस्तेमाल लूं जिसके चलते मैं वीटोंग को आसानी से हरा सकता हूं। और यहां पे जो लिंगडोंग होता है वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और यहां पे वीटोंग लिंगडोंग से बताता है तुम लगता है चाहते नहीं हो जिंदा बचना, तुम चुपचाप हार मान लो ताकि आसानी से मैं इस मैच को जीत जाऊं। अब यहां पे वीटोंग दोबारा से अपनी पहले वाले मूव को और ज्यादा बेहतर तरीके से चलने की कोशिश करता है, मगर यहां पे लिंगडोंग के पास एक आइडिया था, वो दोबारा से अपनी डिवाइन पावर को इस्तेमाल करके उस मूव्स को रोक रहा था आसानी से, मगर यहां पे इस समय लिंगडोंग की पावर बहुत कम होती है जिसके चलते वो इतनी ज्यादा प्रॉपरली नहीं कर पाता। हाँ, मगर स्टार्टिंग में तो कुछ इस तरह से ही काम करते हैं कि डिवाइन पावर उसके सारे मूव्स को रोक लेती है। अब जो लास्ट मूव होता है वो सीधा डिवाइन पावर के सामने जाके लगता है, जिसके चलते वो डिवाइन पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है क्योंकि एक लेवल पे उस डिवाइन पावर की पावर खत्म हो रही थी। एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं जब डिवाइन पावर वो पूरी तरह से टूट जाती है तो उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो ही निडल बन जाते हैं। ये चीज काफी ज्यादा सही थी जो स्ट्रेटेजी लिंगडोंग ने लगाई। यहाँ पे जो लिंग सीधा निडल यहाँ पे वीटोंग की तरफ जाके गिरते हैं। अब यहाँ पे वीटोंग के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था वो किस तरह से बच सके। अब यहाँ पे जो वीटोंग ने कुछ एक सर्कल बनाया था जिसके चलते वो बच सके, पर ऐसा नहीं होता। अब सारे निडल वो सीधा उसी बंदे के पास जा रहे थे जिसने क्विंगटेंग को पकड़ रखा था। अब एक निडल सीधा उसके हाथ पे जाके लगता है जिसके चलते वो जो चाकू था उस बंदे के हाथ में वो सीधा दूर जाके गिरता है। उतनी देर में जो उसके फादर होते हैं वो उसे दूर फेंक देते हैं उस बंदे को जिसने क्विंगटेंग को पकड़ रखा था। अब यहाँ पे कुछ ही देर में यहाँ पे पासा पूरी तरह से पलट चुका था। अब जो प्रेसिडेंट थे वो बताते हैं मैनेजर सू को जो ये लिंगडोंग ने जो स्ट्रेटजी चली वो काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पे वीटोंग के पास भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं थे कि उससे फाइट लेके हरा पाए। यहाँ पे लिंगडोंग तो काफी ज्यादा जीनियस है। फिर वहां पर ओल्ड मास्टर आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मगर यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे लिंगडोंग के वो बताते हैं कुछ इस तरह से इसने चीटिंग करी और हमने कुछ इस तरह से पकड़ लिया इसे, यहाँ पे लिंगडोंग ने काफी आसानी से इसे हरा दिया। अब यहाँ पे लिंगडोंग वहाँ पे आके पूछता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा हुआ तो नहीं, सब ठीक तो है, मगर उतनी ही देर में वही बंदा दोबारा से उस चाकू को लेके क्विंगटेंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो ओल्ड मास्टर आसानी से उस चाकू को कंट्रोल करते वो सीधा उसी बंदे के छाती पे मार देते हैं जिससे वो बंदा तो मर जाता है और यहाँ पे पूरी तरह से सब सेफ हो जाता है। अब हम फिर देखते हैं यहाँ पे भाई वीटोंग ने एक हमला दोबारा से लिंगडोंग के ऊपर किया होता है जब वो अपने फैमिली से बात कर रहा था, पर उतने ही देर
देर में वो उससे बच जाता है। अब जो वीटोंग था वो लिंगडोंग से बताता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी तुम इसे और ज्यादा लड़ाई लेनी है मुझे। अब यहाँ पे वीटोंग भी काफी तैयार था अपनी पावर के साथ, और यहाँ पे लिंगडोंग भी अपनी एक डोर बेल सील बनाने लग गया था। अब यहाँ पे बनाने के बाद उसके अंदर जो पूरी एनर्जी होती है वो सीधा वीटोंग के ऊपर डाल देता है, जिसके चलते वो वीटोंग भी काफी ज्यादा बुरी तरह से हार चुका था, क्योंकि वो एनर्जी वो इतनी ज्यादा होती है कि उसे कोई बंदा झेल ही नहीं सकता। एनर्जी इतनी ज्यादा होने की वजह से जो लिंगडोंग होता है वो भी यहाँ तक कि पीछे घिसकने लग जाता है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कोरा हटने के बाद अब यहाँ पे वीटोंग पूरी तरह से हार चुका था, और यही हमारे पार्ट वन का एपिसोड 12 एंड हो जाता है। आई होप यार आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो आई होप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ नोटिफिकेशन को तो अलाउ ज़रूर रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।